तो बच्चों कैसे अभी हम देखेंगे 441 डिवाइडेड बाई 4 कैसे कैलकुलेट करें अभी हम सीखेंगे। इसको आप एज ए फ्रैक्शन ऐसे भी लिख सकते हैं, किसका डिवाइड करना हमें 4 का करना है। तो ध्यान क्या रखेंगे, यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आप स्टेप फर्स्ट क्या करेंगे, तो एक बच्चा जवाब दे रहा है कि सर हम तुलना करेंगे। तुलना कैसे करेंगे, यदि एक अंक की संख्या तो एक अंक के साथ तुलना करेंगे। क्या देखेंगे, क्या ये 4 के बराबर है? यस, ये 4 के बराबर है। तो बराबर की संख्या यानी 4 का टेबल कितनी बार लें कि हमें 4 मिल जाए। तो 4 का टेबल मैं एक बार लेता हूँ, कितना आ जाता है 4। कितनी बार लिया टेबल, एक बार, तो भाग गया एक बार, क्या आ गया 4। इसको यहाँ लिखना और घटाना है, 4 में से 4 गया, कुछ नहीं आ रहा। फिर ऊपर से एक अंक यहाँ मैं नीचे ले आता हूँ, फिर आपका भाग गया एक बार, कितना आ गया 4। फिर हम इसको घटाते हैं, 4 में से 4 गया, कुछ नहीं आया। ऊपर से एक अंक यहाँ मैं नीचे ले आता हूँ, कितना आ गया 1। क्या ये 4 से बड़ा है? या तो संख्या क्या हो, 4 से बड़ी हो, बड़ी या 4 के बराबर, ठीक, ये देखते हैं। क्या है 4 से बड़ी है? नहीं है, 4 से छोटी है, मतलब भाग टूट गया। भाग टूटने पर कितने बार होता है डिवाइड? 0 बार होता है। देखिए ध्यान क्या रखना है, डिवाइड कर दें समय एक बार में केवल एक स्टेप करना है। एक स्टेप कैसा होता है, संख्या हम घटाते हैं, ऊपर से एक अंक नीचे लेकर आते हैं, क्या हो जाता है आपका एक स्टेप हो जाता है। अब हम क्या करें, तो डिवाइड हो गया आपका 0 आर, फिर इसको घटाया कितना आ गया 1। अब आगे यदि आपको डिवाइड करना है तो पॉइंट लेंगे, 0 लिख देंगे। डिवाइड हो गया 2 आर, कितना आ गया 4, 2 8, फिर घटाया 2 आ गया, पॉइंट लगा रखा 0 आ गया। 4 का टेबल हम 5 बार लेते हैं, 5 चौक कितना होता है 20, फिर घटाया 0 आ गया, 0 आ गया, मतलब प्रक्रिया पूरी हो गई। ये आपका आंसर है, कितना आ रहा है 110.25। ओके, तो इसको आप ऐसे आसान तरीके से समझ सकते हैं। फाइनली सुरेंद्र क्लियर यूट्यूब पर सर्च करें और हमारे अन्य वीडियो देखें।